एमपी के रीवा में कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ डीसीपी के ऊपर नौकरी के नाम पर 30,000 रुपए ठगी करने का आरोप लगाया गया है। फरियादी का कहना है कि उसे कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी देने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से 30,000 डीपीसी के द्वारा लिए गए हैं, लेकिन अब ना तो पैसा दे रहे हैं और ना ही नौकरी, जिसकी लिखित शिकायत हलफनामे के साथ फरियादी के द्वारा कलेक्ट्रेट से की गई है। जवा निवासी चंद्रलोक मिश्रा ने बताया कि वह एक स्कूल का संचालक है, जिसके द्वारा डीसीपी को एक कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि अपने स्कूल में बुलाया गया था, तभी उसकी पहचान डीसीपी से हुई थी। नौकरी के नाम पर 50,000 की मांग की गई, जिसमें कई बार मोबाइल फोन से भी बात हुई, जिसका ऑडियो फरियादी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ सौंपा गया है। फरियादी ने बताया कि 30,000 दिए जा चुके हैं और नौकरी के बाद 20,000 देने की बात हुई थी, लेकिन अब ना ही नौकरी मिली और ना ही पैसा। आपने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत की है कि नौकरी के नाम पे आपसे पैसे लिए गए अधिकारी के द्वारा और उसकी ऑडियो भी आपके पास है, तो मामला क्या है? मामला ऐसा है सर कि यहाँ जो डीपीसी है माननीय देवकरण मिश्रा जी, उनका हमारा परिचय 10 साल पहले था, पूर्व में, और मैं एक छोटी सी विद्यालय चलाता हूँ प्राइवेट, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने उनको अपने विद्यालय में चीफ गेस्ट बनवाया। जब चीफ गेस्ट बनवाया तो हमारे कार्य से प्रभावित होकर के मुझे अपने घर बुलाए, और घर बुलाने के बाद मुझे कहते हैं कि आप आउटसोर्स की एजेंसी के माध्यम से MIS पद में आप नौकरी कर लीजिए। नौकरी की ललाक रहती है, मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने 1,00,000 रुपये की चर्चा की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते करते 50,000 हमारा उनका सौदा तय। जब 50,000 हमारा उनका सौदा तय हो गया, उन्होंने बोले कुछ दे दीजिए, तो मैंने उनको 15,000 करके दो बार में पैसा दिया और 30,000 रुपये शेष रह गया था। तो हमारी उनकी बात ये हुई थी कि जब अगर वो जिस दिन आपको आदेश मिलेगा उस दिन आप मुझे पैसा दें, बोले ठीक है। फिर अगस्त से सर आज तक मुझे एकदम कंटिन्यू घुमाते रहे, मैं और हमारी पत्नी दोनों लोग उनके घर भी गए, बिल्कुल उनसे निवेदन किए, इसका कोई नहीं। और 3,000 रुपये पंकज कुमार द्विवेदी के नाम से मेरे अकाउंट में डलवाए गए। अब ये जो आपका लेन देन हुआ है, इसके बारे में चर्चा क्या मौखिक होती थी या फिर मोबाइल फोन के माध्यम से? मौखिक होती थी सर, कुछ बातें हमारी उनकी केवल ये होती थी कि सर हो जाएगा हमारा कि नहीं होगा। तो कई बार उन्होंने बताया कि आचार संहिता लग गया, आचार संहिता के दौरान जैसे आचार संहिता खुलता है वैसे आपको हो जाएगा, और आचार संहिता जब खुल गया तो मैंने उनके घर में संपर्क किया, फिर उन्होंने बोले कि मैंने पैसे किसी साहब को दे दिया हूँ, वो जिस दिन आ जाएगा तो आपको पैसा चाहे रिटर्न कर दूंगा, फिर वो मैंने यह कि आपका काम हो जाएगा। फिर बोले कि मैं नोटशीट को बता दिया हूँ और नोटशीट मुझे दिखाई थी, उसमें माननीय सीओ साहब ने चर्चा ली, उससे बताया। आपने जो बातचीत की कुछ ऑडियो भी आप उपलब्ध करा रहे हैं, तो इस समय क्या आपसे लेन देन की बात हुई उनसे कुछ ऐसे? इस आईडियो से हमारी उनकी पैसा रिटर्न करने की चर्चा हो रही है, मतलब नौकरी नहीं मिली तो आप पैसा? हाँ, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। और सर मुझे इतना तक कह चुके कि अब हमारी आपकी लड़ाई आर पार हो जाएगी और काफ़ी विवाद होगा हमारे आपके बीच में, और उनको जो आउटसोर्स एजेंसी है उससे भी मुझे कई बार उन्होंने गुमराह किया कि आप जा करके आउटसोर्स एजेंसी से सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं उनसे मिल लीजिए, मैंने उनको बोल दिया हूँ आज आपका दे देंगे, और हमारा साला यहाँ रहता है, मुझे पैसे देने के लिए साले से बोले कि मेरे अकाउंट में कैश नहीं है और भेज दीजिए किसी को, तो मैंने अपने साले को भेजा कि जा करके पैसा ले लीजिए। फिर वो फ़ोन किया तो एक बार फ़ोन उठाए, फिर दोबारा जब टाइम दिए थे पैसा वापस करने के लिए तब उन्होंने फ़ोन ही रिसीव करना बंद कर दिया। आपने जिस अधिकारी का नाम लिया है वो कहाँ पदस्थ है अभी? और कलेक्ट्रेट में डीपीसी कार्यालय, कलेक्ट्रेट डीपीसी कार्यालय में। तो कलेक्टर मैन से आपने शिकायत की तो क्या अभी? जब अभी मैंने पावती आवेदन दे करके पावती ले लिया हूँ, अभी कलेक्टर मैडम के पास पहुँची है, शिकायत नहीं पहुँची अभी, जानकारी नहीं। क्या नाम है आपका? चंद्रलोक मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सुहावल, थाना फलवा, जिला रिवा। नौकरी कहाँ दे रहे थे आपको? ये चौथा विधानसभा और ब्लॉक MIS पद के लिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।